अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं चिकन लबाबदार, यानी के मुर्ग लबाबदार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है और अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, चीनी, थोड़े पेपर कॉर्न्स और 3 लौंग ले रही हूँ। तो तेल में डाल देती हूँ। 2 इलायची और ये 2 प्याज ले रही हूँ। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आप मसाला डाल चुकी हूँ, जो कि ये 8 to 9 काजू लिए हैं और 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून क्यूमिन पाउडर यानी के जीरा पाउडर, 1/2 स्पून चिल्ली पाउडर और 1/2 स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 स्पून मैंने चिकन मसाला पाउडर लिया है। आपके पास हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर सॉटे कर लीजिए। अभी ये 1 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये 750 ग्राम्स ऑफ चिकन ले रही हूँ, को मिक्स करके अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। चिकन डालते वक्त आपको फ्लेम को हाई में रखना होगा, स्लो नहीं करना होगा। स्लो करने से चिकन जूसी नहीं बनता है। इसको हाई में रख के 5 to 7 मिनट्स तक इसको सॉटे करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये थोड़े कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, थोड़े से मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। अब इसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। ये कप में 1/2 कप वाटर ले रही हूँ। इसको हम ढककर 15 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 15 मिनट से ऐसे पक रहा है फास्ट में, हाई फ्लेम में। तो चलिए अब मैं इसमें से चिकन के पीसेस को अलग से निकाल दे रही हूँ। इसके ग्रेवी को इसमें ही रहने, मसाला आप देख रही हैं। इस ग्रेवी को अब मैं बिल्कुल से पूरा सा ठंडा करूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी। पैन ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, 1/2 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये मैंने तेल में जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें जो चिकन के पीसेस को हमने निकाला है वो चिकन को मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ये, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची मैंने ऐड किया है, और ये है गरम मसाला 1/2 स्पून, और ये बटर जो है उसको भी मैं इसी वक्त ऐड कर देती हूँ। और ये बटर में ही इसको मैं अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब जो मिक्सचर को मैंने ग्राइंड किया है उसे ऐड कर देती हूँ, सारे मिक्सचर को ऐड कर देती हूँ। और जो ये जार में है उसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको भी मिला देती हूँ मैं। अब मैं ये कसूरी मेथी को इसमें डाल देती हूँ। बस अब अगेन 15 मिनट्स के लिए इसको थोड़ा पका लेंगे। तो लीजिए, देख रहे हैं आप कितना अच्छे से ये पक गया है। अभी मैं ऑफ कर देती हूँ स्टोव को। बस अब इसको सर्व कर देते हैं। अब मैं इस वक्त थोड़े कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैं इसको सर्व कर देती हूँ सर्विंग बाउल में। देख रहे हैं आप कितना लजीज, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसका चिकन जूसी है और ये बहुत ही क्रीमी है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा चिकन लबाबदार बिल्कुल रेडी है। और ये थोड़े
कसूरी मेथी को मैं ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। और ये गया बटर, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए, अल्लाह हाफिज।